अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो मैं हूँ मानो और मैं हूँ हमजा। तो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है कुछ बहुत स्पेशल, क्योंकि मैं और हमजा जा रहे हैं लंदन कुछ बाय करने। और अब वो क्या चीज है, ये सरप्राइज है, ये हम आप लोगों को जाके बताएंगे। हमजा आपका फेस इतना शाइन क्यों कर रहा है? पता नहीं यार, ऐसा क्या लगाया है जो मुझे नहीं पता है, मैं लगा लेती हूँ। हाँ मॉइस्चराइजर, लगता है मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगा लिया आपने। यार टेम्परेचर चल रहा है -1, सनलाइट है, लेकिन उसके साथ साथ ये ग्रास देखें भी ये पूरी वाइट है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, उठने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल करेंगे यूके में। इससे पहले हमने, खैर मैंने तो इससे पहले कभी भी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, हफ्ज़ा नहीं किया है, लेकिन यूके में तो हमारा फर्स्ट टाइम है। हम पहुँच गए वॉटफोर्ड हाई स्ट्रीट और यहाँ से हम लोगों ने किया अपना कार टैप। गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं किसी ट्रेन स्टेशन पे आई हूँ। सो गाइस नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन, 15 मिनट्स थे अभी। फाइनली हम लोग हो गए ट्रेन में एंटर और मैंने रस्ते को किया काफ़ी इंजॉय, मैंने अच्छे अच्छे व्यूज देखे क्योंकि सनलाइट भी थी। तो हम लोग अब अपनी ट्रेन चेंज करने के लिए पहुँच गए दूसरे प्लेटफॉर्म पर। कार दूसरी ट्रेन में हो गए एंटर, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। जैसे कि आप बाहर देख रहे हैं बहुत सारी बाइक्स हैं, आईडिया आप लोगों को हो गया होगा। तो अब करते हैं बेल। गाइस बैड एक्सपीरियंस, ये डिटेल अब हमने रिकॉर्ड नहीं अंदर की थी बिकॉज अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था, लेकिन आपको अब बैठ के इसकी डिटेल बताते हैं। तो गाइस ये हम लोग आगे हैं बाहर, वहाँ पे हम लोग अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सके थे क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था, लेकिन यार बिल्कुल मेस्ड अप हमारा प्लान हो गया। हमारा प्लान था ई बाइक लेने का और हम लोगों को यही था कि ब्रांड न्यू है और इन्होंने हमसे पहले एडवांस में डिपॉजिट ले लिया था अपॉइंटमेंट से पहले ही ना, 200 पाउंड्स। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए हैं, जैसे ही अंदर गए आपने एंट्रेंस देखी होगी, मुझे बिल्कुल शोरूम कुछ नहीं लगा, वही था अंदर, कोई ब्रांड न्यू चीज़ नहीं थी, सेकेंड हैंड थी चीज़ें। और इस तरह का इनका कॉन्ट्रैक्ट टाइप था, कुछ रेंटेड था कि मतलब वीकली आप 55 पाउंड हमें दिया करेंगे और मंथ के कितने हो जाते हैं 220 पाउंड्स। और बिल्कुल कंफर्ट पुरानी थी ऑब्वियसली, तो हमजा बिल्कुल कंफर्टेबल भी नहीं था उसके साथ, इतना ज़्यादा इसका रेंट भी बन रहा था, उसकी कुछ सेंस नहीं बन रही थी। फिर हम लोगों ने, और ऊपर से हम पे इम्पोज किए जा रहे हैं लाइक मतलब बैटरीज भी पकड़ा दी हैं, सब कुछ पकड़ा दी है। सॉरी ये मेरा नेल, इग्नोर करें, ये मेरा जॉब पर टूट गया था काम करते हुए। अच्छा तो उन्होंने बैटरीज पकड़ाई जा रहे हैं डिस्कस की, और हमें डिस्कस भी नहीं करने दे रहे। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा वेट हम पहले डिस्कस कर लें उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। हमने कैंसिल किया क्योंकि उसकी क्वालिटी भी हमें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि पुरानी थी, वो वाली फील ही थी कंफर्टेबल वाली और हम उस चीज़ से आए ही नहीं थे। तो उन्होंने जी फिर हमारा कैंसिल किया, उसके बाद अब ये हमें रिफंड करेंगे 2-3 डेज में। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे आए ही हैं तो एक सडन प्लान किया जाए सेंट्रल लंदन का, क्योंकि हम अब तक 5 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए हैं लेकिन हम लोग लंदन आए यहाँ कहीं नहीं गए। और फिर हमजा ने किया ट्रैवल ट्रेन पे और मैं भागते भागते फाइनली पहुंच ही गई लंदन। हम वहाँ पे हाई स्ट्रीट पे उतरे जहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स की शॉप्स थी और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी थे जो आप घर में डेकोर कर सकते हैं। और भी डांसिंग क्वीन के साथ इस इंट्रीक्यूट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स को किया हमने ऑब्जर्व। स्क्वायर और अंदर तो हम लोग नहीं जा सके क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था,
लेकिन हमने बाहर से थोड़ा सा व्यू लिया एंड दिस मैन ये इस चीज़ का प्रूव है, आग लगे बस्ती में हम अपनी बस्ती में, इसको किससे कोई लेना देना नहीं, आराम से पकड़ के खा रहे। उसके बाद लोगों ने किया बहुत सारा शोर, उनको देख देख के तो मैं और हमजा भी हो गए इंस्पायर, हमने कहा कि ना हम भी थोड़ा सा शूट करें। फिर इस चमचमाती धूप में हमने थोड़ी सी ली सेल्फीज, फिर हम लोग पहुँच कर ब्रिज पे और वहाँ से हमने लंदन का थोड़ा किया व्यू, और ऑब्वियसली व्यू था बहुत अट्रैक्ट। एंड दिस शिप, ये शिप भी चलती है ऊबर पर, सो आप ऊबर पर इसको भी कर सकते हैं बुक। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बिग बैन, और यहाँ इसके सामने कुछ ऑटो राइड्स भी हैं, और हमजा इतनी देर से यहाँ पे खड़े व्यू को कर रहे हैं ऑब्जर्व। तो हमजा सईद कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। भूख की तलाश में हम लोग पहुंच गए KFC, लेकिन हमारे साथ होगी ट्रेजेडी, जब हम लोगों ने वहां पे बिल किया, बिल करने के बाद मेरे एकदम माइंड में आया कि यार मैं इनको पूछूं कि हलाल है, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नो इट्स नॉट हलाल, सो हम बिल भी कर चुके थे फिर उसके बाद, लेकिन उन्होंने हमें रिफ़ंड किया। उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, हमारा वहाँ पे भी टाइम वेस्ट हो गया, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और फिर कोई हमें हलाल प्लेस पास मिल ही नहीं रही थी। बस इसी स्ट्रगल में हम लोग कुछ खा ही नहीं सके, क्योंकि जो हम लोग खा सकते थे जो हलाल था वो बहुत दूर था, इतनी हम लोग वॉक नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें टाइम पे घर पहुंचना था। फिर हमने सोचा क्यों ना रात के टाइम लंदन जो खूबसूरत लगता है इसका एक दफ़ा व्यू करके जाएं, एंड ऑब्वियसली द लाइट्स और बिल्डिंग्स की लाइट और ये जो वाटर पर बिल्डिंग्स की लाइट्स का रिफ्लेक्शन है, इट्स रियली अपीलिंग। और आप लोग ये स्टेशन पर रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और वो जो मूवीज़ में नहीं देखते थे कि लंदन में स्टेशंस पे इतना रश है, इतने लोग हैं और ट्रेन्स भी फुल हैं लोगों से, वो आज एक्सपीरियंस कर लिया हमने। अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।